स्वागत है आपका हमारे शो तब से अब तक में, पावर्ड बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम आपको एक बेहद ही खास मेहमान से रूबरू कराएंगे, जो यूपी के देवरिया से दिल्ली तक का सफर तय किया और फिर मुंबई आए, और आज ये हमारे साथ है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू राजू, थैंक यू। क्या है ये तब से अब तक? अच्छा, तब से जब से आपने शुरुआत किया था। अच्छा, मुझे लगा कि जब से आप लोग आके यहाँ वेट कर रहे थे लाइट वेट लगा के, तब से और अब तक भैया एक घंटा हो गया है, अभाव मार रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग कहाँ पे हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं पैदावार हूँ, देवरिया एक जिला है, छोटा सा शहर है गोरखपुर के पास जी। तो अब तो बड़ा हो गया क्योंकि कुशीनगर एयरपोर्ट बन गया, तो देवरिया बड़ी जगह हो गई। तो देवरिया में मैं पैदा हुआ था, सन वन नहीं पूछा जाता है, 6 फरवरी को। और उसके बाद पढ़ाई प्लस टू तक वहाँ पे हुई, साइंस। मैं प्लस टू साइंस से पढ़ा हूँ। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत पूछना, क्योंकि वही होता था बचपन में, कोई रिश्तेदार आता था तो एक ही सवाल होता था, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और बेटा बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आता था फिर भी आदमी घबरा जाता था कि क्या हो गया है ये। एक तो बाद में किसी का जोक आया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले बताओ कि अंग्रेजी का सवाल है कि मैथ का है। तो वो देवरिया में पढ़ाई हुई, थिएटर की शुरुआत देवरिया में हुई। मैं छठी या सेवेंथ स्टैंडर्ड में था तब से मैंने थिएटर करना शुरू किया देवरिया में, मतलब स्कूल लेवल पे, फिर थोड़े से प्रोफेशनल लोग जो थे वहाँ पे करते थे। उसके बाद वहाँ पे उतना रिच थिएटर था नहीं, तो हम गोरखपुर चले गए। अच्छा, तो मैं देवरिया से गोरखपुर अप डाउन करता था बाई बस, 53 किलोमीटर है जी। और रोज हर शनिवार को, वहाँ एक रंगाश्रम संस्था है, वहाँ पे हर शनिवार को प्ले होता था, तो हम लोग रिहर्सल करते थे। और उसकी स्क्रिप्ट नहीं होती थी, जैसे कोई हमने कहानी उठा ली वो आप याद कीजिए 4 दिन में, इम्प्रोवाइजेशन, और उसके बाद जहाँ भूले वहाँ इम्प्रोवाइज करना है। और उसको जैसे नाटकीयता होती है उसमें, जो हम लोग उसका करते हैं, रूपांतरण करते हैं। अच्छा, तो वैसा करना होता था, तो ये होता रहा। तो मतलब ये 12th जो आप कर रहे थे, हाँ, उसके साथ ही? हाँ, हाँ, उससे पहले। अरे, अच्छा, पहले 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 तक इस बीच में हुआ, उसके बाद मैं चला गया दिल्ली। तो कब ये फील हुआ कि मतलब आपको थिएटर की तरफ मूव करना है, कला की तरफ? मेरा ये बता रहा हूँ कि ये कहीं नहीं बोला है, मैं एक क्लास फेल हो गया। अच्छा, ठीक है। मेरे ये नहीं बताऊंगा। मेरे घर पे मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं जी, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है जी, मेरी 2 बहनें हैं, एक जेएमसी में प्रोफेसर है ड्यू में, एक छोटी बहन है जो दुर्ग में है, मेरे भाई टीचर हैं, मेरे 2 जीजा लोग हैं वो भी प्रोफेसर हैं, और मैं फेल हुआ उस घर में जी। ठीक है, तो फेल हो गया तो वही होता ना कि कुछ लोग बात करना बंद कर दिए, कुछ लोग एक आध कोई बुआ या कोई भाभी भी होती हैं जो खाना दे देती हैं। ऐसा लग रहा था मेरा ब्रेकअप हुआ है। अच्छा, पढ़ाई से ब्रेकअप ही हुआ था एक तरह से। तो एक आदमी आके चुपचाप कोने में पड़ा है, टीवी में संस्कार चैनल भी देख लो तो गुस्सा कर जाते, देखो और टीवी देखो, इसलिए फेल हुआ है। तो मेरे भाई ने मुझे थिएटर ज्वाइन करवाया, मैं इंट्रोवर्ट था, इतना बोलने वाला आदमी इंट्रोवर्ट था, मुझे कोई नाम पूछ लेता तो कान गर्म हो जाता था कि क्या बताएं, मतलब अपना ही बताना है ना। तो मेरे भाई ने थिएटर ज्वाइन करवाया कि ये ड्रामा टॉकीज आप लोगों का है तो उससे याद है कि ड्रामा जो है ये खोलेगा आपको, तो तुम लाइफ में एक्टर बनोगे नहीं बनोगे पता नहीं, पर जो भी बनोगे तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना हो या लोगों को फेस करना हो, सोसाइटी सबसे बड़ा इंटरव्यू है ना जो हर आदमी लेता रहता है। राजीव तो सवाल पूछेंगे उसकी एक सीमा है जी, समाज क्या सवाल पूछ देगा पता नहीं। तो इसलिए थिएटर ज्वाइन करवाया, और उसके बाद से मुझे मजा आने लगा, क्योंकि एक चीज अच्छी हो गई, जैसे थिएटर में अच्छा हो गया तो फिर मेमोरी भी अच्छी हो गई, फिर पढ़ता था वो समझ में भी आता, तो फिर मैं डायलॉग की तरह पढ़ता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो ड्रामा आने लगा। ऑब्जर्वेशन चालू हुआ कि टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम होता था क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं याद हो जाता था। तो ये कौन सी ईयर की बात है जो आप बता रहे हैं? ये है 2000, 99, 2000। तो मतलब भैया आपको थिएटर ज्वाइन करवाया, तो मतलब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फैमिली का आपको सपोर्ट रहा। मेरे बड़े भाई का जी, आशुतोष त्रिपाठी नाम है, मुझसे बहुत हैंडसम दिखते हैं, मुझसे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत कमाल। अच्छा, वो भी लिखते हैं? अरे खानदान में दिक्कत है। मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अमूमन क्या होता है कि हम छोटी जगहों से बिलोंग करते हैं, वहां पे डॉक्टर इंजीनियर और
यूपीएससी इन सारी चीजों का वो क्रेज होता है। तो आप जब थिएटर में जाने के लिए तो किसी ने आपको कुछ, तो स्टार्टिंग में तो लगा ही नहीं ना कि ये इसको प्रोफेशन बनाएगा। झगड़ा तो तब हुआ जैसे आप कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ गए तो आप चले गए रिहर्सल पे, या पहले रिहर्सल पे चले गए फिर बाद में जैसे आज छुट्टी है तो चले गए लखनऊ नाटक करने, तो ये सब नॉर्मल चल रहा था। गर्मी की छुट्टी में वर्कशॉप कर लिया, सब ठीक है। जिस दिन बताया गया कि जैसे आप किसी लड़की को डेट करें हाँ। तो लोगों को लगता है ठीक है ठीक है, दोस्त है दोस्त है हाँ। जिस दिन आप कह देते हैं कि इससे शादी करनी है हाँ। तब माहौल बनता है। तो मैंने अपने घर पे बोला था कि मुझे एक्टिंग करनी है, ये मेरा व्यवसाय है, यही शौक है, यही प्रोफेशन रहेगा बस। फिर क्या हुआ? यही सन्नाटा जैसा, मैं चुप हो गया। ऐसे अलग मतलब सब चुप, ये वो। तो बोले कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई पूरी करो। ये प्लस टू की बात है। ओके। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था और मेरा था कि मुझे इसके बाद बॉम्बे जाना है। ओके। कि मुझे एक्टिंग करनी है या वहीं कुछ करूंगा, ग्रेजुएशन भी करता रहूंगा। तो मेरे पापा ने बोला नहीं बॉम्बे जाना है तो ग्रेजुएशन करो। तो मैं वो करने दिल्ली आ गया क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी थिएटर के लिए दिल्ली बहुत रिच है, नहीं तो मेरा बीएचयू में भी हो रहा था। अच्छा। बनारस मेरा हुआ था, एंट्रेंस क्लियर किया था। तो मैंने बोल दिया था मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को दिमाग में नाच रहा था दिल्ली 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 सब की ड्यू में जाऊंगा। तो सारे बड़े नाम वहीं से आ रहे थे ना, कि जो भी हम जिनके फैन हैं, मनोज वाजपेयी जी हों चाहे जो भी एक्टर्स हों, कि ड्यू में एडमिशन लेना है, वहाँ थिएटर करेंगे, फिर वहाँ से बॉम्बे जाएंगे, मंडी हाउस में चाय करेंगे, हमारी भी पनवाड़ी के पास उधार हो, ये सब जो किससे सुने थे जी जी। कि यार ऐसे कैसे एक्टर बनेंगे, किसी दुकान के पास उधार नहीं है, नाटक के लिए मार नहीं खाए। तो हम दिल्ली चले आए और पापा ने बोला था ग्रेजुएशन करके ही बॉम्बे जाना। जिस दिन लास्ट पेपर लिखा ट्वेल्थ का ग्रेजुएशन का, अच्छा उसी दिन की ट्रेन पकड़ी। क्या बात, कि ये ग्रेजुएशन हो गया उसी दिन की ट्रेन, गरीब रथ मुझे याद है, 999 की बात है, 999 डेट थी, सेम डे की। एक दिन भी डिले नहीं करूंगा कि पापा आपका ग्रेजुएशन हो गया, अब मैं जा रहा हूं। और सेम डे मैं अकेला, पता ही नहीं था किधर पूरा पश्चिम क्या है, और यहाँ आके पता चला कि पूरा पश्चिम ही जाना जरूरी है, ईस्ट वेस्ट में ही पूरा टिका हुआ है यहाँ पे। तो और अकेला गया दिल्ली, ये बॉम्बे, दिल्ली तो ग्रेजुएशन दिल्ली करने आया था ना। ठीक है, तो जब ग्रेजुएशन 2005 में दिल्ली, तो जब आप दिल्ली में थे तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ हाँ क्या क्या किया? तो मैंने बताया कि मुझे मालूम था कि दिल्ली में जो भी कॉलेज हैं तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है, वहाँ पे ड्यू बहुत रिच है थिएटर जी। तो मैं करने आया था, मेरे ही कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी नहीं थी, शिवाजी कॉलेज नाम है मेरे कॉलेज का। और अब इस वक्त 14-15 साल हो गए हमारे थिएटर ग्रुप को। तो हम चार लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया कि चलो थिएटर ग्रुप बनाते हैं और स्ट्रीट प्ले नुक्कड़ नाटक करना चालू करते हैं, फिर स्टेज का प्ले करेंगे। तो हम लोगों ने चार लोगों ने मिलकर चालू किया और इस वक्त 14 साल हो गए हैं। ड्रामा टीम को हमारी वयम नाम है, एक चतुर सेन जी की किताब है वयम रक्षामा, अच्छा उपन्यास है, उन्होंने रावण पे लिखी है वयम रक्षामा, तो उसमें से वयम नाम आया। और वयम मतलब हम सब, संस्कृत में अहम अवाम वयम होता है। तो हमने वयम नाम से थिएटर चालू किया और अभी हाईएस्ट अवार्ड विनिंग प्लेज है हमारे पास। क्या बात, कि स्ट्रीट प्ले में भी सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है हमारे कॉलेज की टीम ने, स्टेज में भी सबसे ज़्यादा जीता है। और 3 साल मैं था तो 3 साल हम ड्रामा के प्रेसिडेंट बने और हम लोग मिलकर डायरेक्ट करते थे, कहानियाँ लिखते थे, खुद नुक्कड़ नाटक के गाने लिखते थे, स्ट्रीट प्लेज लिखते थे, स्टेज में भी कहानियाँ लेके आके उसका अपना बनाते थे प्ले, और बम्पर हिट हुआ था। मतलब एक प्ले हम लोग करते थे मुंशी प्रेमचंद जी कहानी है बड़े भाई साहब, वो हमने 300 से ज़्यादा शोज किए हैं। अच्छा। मैं छोटा भाई बनता था, दो भाइयों की कहानी है जैसा पता होगा लोगों को, तो मैं छोटा भाई बनता था और हमने प्ले डायरेक्ट किया था, कहानी मंचन थी एक तरह से जी। 300 शोज हुए उसके, ड्यू में रिकॉर्ड है वो, उसको 22 या 25 बार हाईएस्ट बेस्ट प्ले और बेस्ट एक्टर मिला है। क्या बात है। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन के आखिरी पेपर वाले दिन आप दिल्ली डे की ट्रेन, भाई की डिले हो रहा है, अरे मुंबई में इंतजार हो रहा है मेरा, आज मैं चलो स्ट्रगल करना है। हाँ, आप आए तो क्या वो मोटिवेशन एनर्जी थी जो आपको बॉम्बे लेके आई? क्योंकि यहाँ आता था मन लगता था ना, मैं लोग बोलते हैं कि एक्टर नहीं होते तो क्या होते, हम कुछ नहीं होते, ये जो भी होते बहुत खराब करते। 3 इडियट्स में वो सीन है जिसमें फरहान जाके अपने फादर को कहता है कि पापा मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो बहुत खराब बनूंगा। ये रियल में मेरे साथ हुआ है, मैंने बोला कि मैं नहीं,
बीएड करना चाहता हूँ या मैं मास्टर्स करके और मैं नेट वेट क्लियर करके मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बच्चों का भविष्य खराब कर दूंगा, मैं अपना कर रहा हूँ ठीक है। ये रियल में यही सीन हुआ था बकायदा हमारे साथ कि मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए तो एक्टर हूं तो एक्टर हूं, नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो आप जब दिल्ली से बॉम्बे आए तो बॉम्बे में शुरुआती दिनों में आपने क्या क्या किया, मतलब किस तरीके से आपने काम ढूंढा, किस तरीके से अपने आप को स्टेबल किया, क्या क्या किया? वही ना कि जो भी आदमी आता है ना, हर शहर के परितोष त्रिपाठी, हर शहर के पंकज त्रिपाठी, हर छोटे कस्बे से मनोज वाजपेयी आते हैं यहाँ पे जी। इस कड़ी में मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, वो बहुत दिग्गज लोग हैं। तो जब यहाँ पे आके पता चलता है कि हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे कई लाख आए हैं, पहले तो वहां लगता था ना, नहीं होता, कुछ एक्टर लोग बोलते हैं कि यार इस एक्टर के लिए ताली बजती थी, मंडी हाउस में गूंज जाता था जो मैं प्ले करता था। तो यहाँ आके पता चलता था कि फिर कोई भोपाल में भी ताली बजवा के आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट में भी ताली बजवा के आया है, कोई गोरखपुर के पास भी उतना ही दिग्गज काम करके आया है, कोई पटना से भी उतना ही अच्छा एक्टर आया है। फिर लड़ाई होती है और यहाँ पे ना देख के लोग डिसाइड करते हैं कि कास्टिंग की टीम अब तो कितना अच्छा हो गया ना। पहले तो वो था कि आप अपना प्रिंट आउट लेके जाओ, फोटोज लेके जाओ, जेब में बारिश में हो जाए, बारिश हो तो उसमें लपेट लो पन्नी में, फिर लेके जाओ, उसके पीछे चिपका दो कि थिएटर किया है, ये है वो है। ये तो तब आएगी ना जब कोई आपसे बात करेगा, कोई आपका दरवाजा खोलता था और नॉट फिट, 6 सेकंड में आपका वो तय कर देता था। तो आप बॉम्बे कब आए थे? 2009 की बात आप बता रहे हैं, 2009-2010, ये 2 साल पूरा। अच्छा, तो डोर टू डोर जाके आप बहुत भरपूर भरपूर गया। वो तो रोड पे भी एक टोपी पहन कैसे कैमरा लगा के रहते हैं, मुझे लगा यहाँ भी शूटिंग चल रही है, पता चला नहीं नहीं वो इंजीनियर लोग हैं, वो रोड बना रहे हैं। नहीं होता है, हाँ, 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 देखा है मैंने ऐसे 3 करोड़ से, जैसे ये है ना अपना ट्राइपॉड, हाँ, हाँ। वैसे लगा के उसके ऊपर छोटा होता है, वो पता नहीं क्या करते हैं। तो मुझे लगा ये डायरेक्टर साहब है, यहाँ शूटिंग चल रही है, मतलब मैं तो वहां वहां भी गया हूँ। अच्छा, मैं तो 100 ऑडिशन में 150 जगह नॉट फिट हुआ हूँ। कुछ जगह तो मैं रास्ते में हुआ था कि एक जगह चल रहा है, जाना मत, तुम फिट नहीं हो। इतना फिट नॉट फिट था ना भाई, इरिटेशन होती थी। एक मेरी दोस्त है, हम लोग साथ स्ट्रगल करते थे, तो को स्ट्रगलर थे हम लोग, वो डॉक्टर थी, तो उसने अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली थी, प्रैक्टिस भी करती थी और ऑडिशन भी देने जाती थी। तो उसको किसने बोला कि यू आर नॉट फिट, तो बोली मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताऊंगी यू आर फिट और नॉट, तुम मत बताओ। फिर बाद में आपका कोई एक काम नोटिस होता है या कोई एक काम क्लिक होता है तो आप हर जगह फिट हो जाते हैं। यही है, अब तो खैर चेंज हो गया है कि अब तो बहुत डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं, कास्टिंग कितने अच्छे लोग आ गए हैं, कास्टिंग की पूरी टीम आ गई है, पूरा सेटअप आ गया, कास्टिंग वालों का ऑफिस एक अलग से हो गया। वरना वही होता था कि 53 नंबर में चल रहा है, 57 में चल रहा है, 131 में चल रहा है, जाओ नॉट फिट सुन के आओ। तो ये इतना सुना ना भाई, मतलब ऐसा लगता था क्या करें। तो ये आपका कितने सालों तक चला? ये चला 1.5 साल पौने 2 साल तक। अच्छा, उसके बाद फिर छोटा छोटा की। पहला काम कौन सा मिला आपको? एक महुआ चैनल था। अच्छा, उस वक्त बहुत सही हालत में था, तो उस पे हमने एक रियलिटी शो किया, हंसी का तड़का नाम था उसका। अच्छा, 2010 की बात है, 2010 एंड की बात है, तो मैं उसका विनर था, स्टैंड अप कॉमेडी का शो था। अच्छा, हाँ, बहुत मजेदार था, मतलब चैनल भोजपुरी में आता था पर वो शो हिंदी में था, या अपने नॉर्थ का जो ह्यूमर होता है वैसा वाला की, तो वो बहुत मजेदार था, वो पहला काम था। अच्छा, और हम लोग यहाँ प्ले कर रहे थे, मुकुल नाग जी हैं जो साईं बाबा बनते थे स्टार प्लस पे जी, तो वो एक राजेश तिवारी जी हैं, ये सब लोग मिलके हम लोग, मैं मीरा रहता था भाईंदर में रहता था, भाईंदर ईस्ट में, तो वहाँ पे ना ये लोग नाटक कर रहे थे, कोई एक प्ले था अंग्रेजी का, उसका हिंदी अडेप्टेशन था, तो मुझे भी कास्ट कर लिया। तो बहुत कुछ 6-7 लोग थे, सब NSD से थे या थिएटर से थे, और मुझे भी कास्ट कर लिया। तो वहीं पे किसी ने बताया कि यार एक जगह चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का, तेरे को तो आती है, तो यूपी से है, तेरे को तो लैंग्वेज आती है, तो चला जा। तो वहाँ चला गया, वरना मैं थिएटर करना चालू कर चुका था यहाँ भी, क्योंकि अच्छा। मुझे लग रहा था ना कि ये नॉट फिट सुनने से अच्छा है कि वो करो जहाँ पे आप फिट थे। तो मैं आया वापस थिएटर करने लगा बॉम्बे में धीरे धीरे शुरू कर दिया था। उसके शोज हमने किए, अपना लखनऊ में किया था हमने, और भी कई जगह किया था। तो वो एक टीवी का शो मिल गया, तो पहला टीवी का, और मैं विनर बना उस शो का। उसके बाद चैनल बंद हो गया, क्योंकि उनको लगा कि हमने एक एक्टर दे दिया, अब हम लोग बंद करके अपना, तो मार के चाबी फेंक के महुआ चैनल महुआ पीने चला गया। अच्छा, हाँ, 5 लाख रुपए प्राइज मनी था उसका, जो अभी तक नहीं मिला मुझे। छोड़ो
तो आपने शोज किए, कॉमेडी शोज किए, थिएटर किए, फिर फिल्मों की तरफ कैसे आया कि मतलब? तो टीवी का चल गया ना, उसके बाद कॉमेडी का था, तो उसके बाद मुझे क्राइम पेट्रोल में काम मिल गया। क्राइम पेट्रोल मैंने दबाड़ किया है भाई। अच्छा, मैंने अनूप सोनी जी से भी दो एपिसोड ज्यादा किया है मुझे लग रहा है। बहुत किया, कुछ 50 कहानियां की हमने। अच्छा। 2011, 12, 13, 14 चार साल मतलब बैक टू बैक आपको काम मिला। खूब खूब, मेरा मुंह भी वैसा हो गया था, मैं तो चलता फिरता अपराधी लगता था। मतलब खाली ये बताना था कि कौन से अपराध में है ये, बाकी मैं लगता वैसे था, मैं रियल लाइफ में वैसा ही था क्योंकि कहीं तो फिट हुआ था ना मैं तो उस गुस्से में। और फिर उसमें आपको सेंट्रल कैरेक्टर मिलने लगे तो लगा कि यार ये तो हीरो बना रहे हैं कहानी का। अच्छा। फिर पता चला कि जो जो खराब मुंह वाले हैं उनको हीरो बनाया जाता है उसमें। तो, पर बहुत अच्छी अच्छी कहानी है भाई। एज एन एक्टर बहुत फायदा हुआ उसका कि एक दिन में बहुत काम करना पड़ता था ना, कि काफी सारे सीन्स होते हैं, टीवी का पता है एक सीमा होती है। वो बहुत किया और उससे मेरे को मतलब बाई फेस लोग पहचानने लगे। सब्जी वब्जी खरीदने जाओ, पानी पूरी खाने जाओ, तो यही था ना, रात को भाभी मर्डर किया था, यही था ना, रात को रेप केस वाले एपिसोड में था। अच्छा। अरे तुम तो ये ना बच्चा भगाए थे, ये सब होने लगा। तो मेरे को मतलब ये शुरू हो गया। 2014 में एक बहुत बड़ा शो मिला मुझे, महाकुंभ नाम था उसका, टीवी का बहुत बड़ा शो था। वो हमने बनारस में उसकी शूटिंग हुई थी, उसके पोलैंड में शूटिंग हुई थी, बहुत बड़ा शो था। दिग्गज लोग थे, सीमा विश्वास जी थी उसमें, सुरेखा जी अभी नहीं रही, सुरेखा जी थी उसमें, विनीत कुमार जी थे, रॉबिन दास जी थे, अच्छा, रामगोपाल बजाज साहब थे, मोहन महर्षि थे, सब दिग्गज। हाँ, अरे निसार खान साहब थे, गौतम रोड़े उसमें मेन लीड थे, इतने सारे बहुत टॉप एक्टर। अरविंद बब्बल जी ने डायरेक्ट किया था, उनका प्रोडक्शन भी था। अशोक चक्रधर जी उसमें वो लिखते थे उसका नरेशन, पीयूष मिश्रा जी ने गाना गाया था, गाना लिखा था, उदित नारायण ने गाना गाया था, टीनू वर्मा ने वो दिया था फाइट उसका एक्शन। अच्छा, इतना बड़ा शो था। हाँ, लाइफ ओके पे आया था। तो वो मिला मुझे, तो मेरे को लगा कि अब अपन बड़े टीवी शोज में अपने को सेट है। महाकुंभ 2014 का है, 2014 से 2016 मैं 2 साल खाली था। अच्छा। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुमने कोई बड़ा काम कर लिया या तुम्हारा कुछ ऐसे एकदम तुम्हारे हिसाब से लग रहा है कि तुमने कुछ ढंग का कर लिया, उसके बाद भी आप शो खत्म होते ही बैक टू बेसिक, मतलब आपका स्टेबल चालू रहता है। हाँ, मतलब लगा कि फिर शुरू हो गया, मेरे को लगा कि शो चल रहा है बहुत बड़ा है, इसके बाद तो काम मतलब चलता रहेगा। पैसे वैसे भी अच्छे थे उसमें, फ्लाइट लेट से जाते थे बनारस, तो ये सब भौकाल। काम की भी तारीफ हो रही थी कि यार अच्छा एक्टिंग कर रहा है, पता नहीं। उसके बाद 2 साल तक एवं ही कुछ समझ नहीं आया। ये बिफोर मामा जी सुपर डांसर। अच्छा। 2014 एंड से 2015 पूरा, 2016 का कुछ महीना ये टाइम मेरे पास अजीब सा था। हम तीन दोस्त रहते थे तो तीनों के पास मिला के 40,000 रुपया था इस दो साल में जी। तो कैसे वैसे उधार, ये वो, रेंट वेंट देना, खाना वाना बनना, वो बड़ा अजीब सा था। मेरे को अभी भी समझ नहीं आता कि क्यों मैं ऐसे उस दो साल तक वैसा था। फिर बाद में लोगों का और भी पता करता हूँ, लोग अपने बारे में बताते हैं कि ये काम था, ये काम नोटिस हो गया था, ये काम हिट हो गया था, उसके बाद भी कुछ संयोग होता है पता नहीं कि या फिर मेरे को उस बीच में, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट होता है अब, कि उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत था, तो उस बीच में क्या किया, मैं लिटरेचर पढ़ने लगा क्योंकि वो थोड़ा मिसिंग हो गया था। तो कहानियाँ, नज़में, लिटरेचर, स्टोरीज, ये सब पढ़ने लगा मैं, अपनी भाषा पे काम करने लगा क्योंकि मेरे को लगता था कि यही टूल है, जबान हमारी अच्छी है, हम हिंदी भाषी जगह से आते हैं, हमारी भाषा अच्छी है, हमारी उस पर और काम करते हैं। ये सब पढ़ने लगा, ये कैसे काम आया, जब सुपर डांसर मिला मुझे तो कविताएं ही सुनानी थी। अरे वाह। तो ये जो 1.5 साल का प्रिपरेशन था, हाँ अभी ईश्वर की प्लानिंग है, ये जो 1.5 साल का जो प्रिपरेशन था ना, ये वहां काम आया। तो मामा जी से पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं डिसाइड कर रहा था कि दिल्ली वापस चलते हैं, थिएटर करते हैं जी। कि क्या करूंगा, मतलब ये देखो भाई, बड़ा सिंपल सा है कि मीडियोकर नहीं होना है, मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बनना था, कि या तो ओपनिंग करवाओ या फिर लंबा पारी खेलने का मौका दो, या उसी की तलब होती है ना, या उसी की घुटन होती है कि यार मुझे ये वाला रोल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा होता तो आपको लगता है क्या पता हमारी तैयारी में कमी है, तो आदमी और तैयार होने लगता है। फिर लगता है कि यार मैं तैयार तो हूं, फिर पता नहीं क्यों वैसा हो रहा है, उसको क्यों मिल रहा है। तो उस बीच में ना मेरे दिमाग से ये निकल गया कि उसको क्यों मिल रहा है ये छोड़ दो, तुमको मिलेगा तुम इस पर फोकस करो।
तो हम लग गए और तैयारी करने लगे, और जो जो चीज़ें कमियां मुझे महसूस होती थी, जैसे अभी भी होता है, तो मैं उस पर काम करने लग जाता हूँ। तो मामा जी से पहले, सुपर डांसर मिलने से पहले, मुझे एक और छोटा सा शो मिला था जिसकी जयपुर में शूटिंग होती थी, और उस शूट में मुझे बुखार हो गया, वायरल हो गया कुछ 10 दिन तक, भयानक बुखार में था। और इस बीच में सुपर डांसर से कॉल आ रही थी कि आओ तुम्हारी एंट्री है, तुम्हारी एंट्री है। और वहाँ मेरे दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार वहाँ शूट है, बोले मत जा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, जा ही नहीं पाएगा। तो मेरी फर्स्ट एंट्री जो थी फर्स्ट एपिसोड में, वो मैं आया और मैं तप रहा था बुखार में, मेरे मसूड़े वाइट हो गए थे, वो उससे पक गया था पूरा, दवा खा खा के हीट से ना पक गया था वो, अपना एंटीबायोटिक खा खा के बुरी हालत में था। मैं एयरपोर्ट गया ना, 5 बजे की फ्लाइट थी मुझे याद है जेट की, तो 3-1 बजे उठ के मैं आ रहा था, और ऐसे में आँख बंद हो जाए मेरी, यहाँ पे पहुँचा मैं अपने वैन में सो गया था, ऐसे लाइनें पढ़ रहा था। मैं किसी को बोला, मैंने कहा भाई पढ़ना तुम पढ़ना, ऋतिक मेरे को एंकर हैं वो आए मेरे वैन में, उन्होंने बोला यार तू ऐसे कैसे करेगा, मर जाएगा। मैंने कहा यार देखो ये तो करके ही मरूंगा जो भी होगा, और मैंने शो में भी लाइन बोली थी कि मेरे को लग रहा था कि तबीयत खराब है, मर जाएगा आदमी, और मैं वो शूट करने आया था जो अमर करेगा। क्या बात है, मतलब वो किरदार जो अभी तक जो मेरी पहचान है। तो मेरे कॉस्ट्यूम वाले हैं अयूब भाई, उस वक्त वो करते थे, तो मेरे को जो बनियान दी गई थी ना जब मैं परफॉर्म करके आया, तो वो कड़क हो गई थी, इतना पसीना निकला था ऐसा लगा टूट जाएगी, कड़क हो गई थी पसीना पसीना से। और वही करते 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 मैं लाइन भूल गया, तो मैंने शेर बोल दिया था। अच्छा हाँ, तो वो शेर फर्स्ट एंट्री में ऐसे ही कोई नॉर्मल सा शेर था, नॉर्मल सा कोई शेर था कि शिल्पा जी की गली में जाके हमने कहा दिल से दिल मिला लो, उनके पति बाहर आए, हमने कहा कुकर ठीक करा लो, कुकर ठीक कर ऐसा ही कुछ यही था। तो ये ऐसे फ्लो फ्लो में शेर बोल दिया। अच्छा। तो अगले एपिसोड में उन्होंने बोला कि तू शेर भी बोल दिया कर, तो बोल रहा था उसमें भी। मैं आपको बताऊं, मैं उसमें मेन एंकर नहीं था, मुझे ऐसे क्योंकि कॉमेडी करवाने के लिए लाया जाता है, सपोर्टिंग नहीं किया, ऐसे टाइम पास है। और मेरे जो राइटर हैं रविकेश जी, उनका कहना था कि ये कैरिकेचर नहीं है, ये रियल कैरेक्टर है, इसका लुक ऐसे भले है मामा जी ये रियल है, ये आप फील करेंगे ना तो आपको कोई भी कैरेक्टर आपको कैरिकेचर नहीं लगेगा, बफुंडी नहीं लगेगा। बोले कि ये इसमें सोल ना मरे। और मामा जी के कैरेक्टर में जो आपने वो माँ का एक फादर वाली फादर तो बता रहा हूँ कि 3 या 4 एपिसोड तक मैं ऐसे था कि आया दो लाइन बोल दिया कुछ कुछ अपना चल दिया, जैसे लहर वहर अपना लेना चालू कर दिया था, अरे शिल्पा जी मर जाएंगे, अरे दादा अरे दादा, इतना गोरा तो हमारे में आदमी तब नहीं होता है जो खंजर से नहा ले, उससे फालतू फालतू जोक चल रहा था, इतनी सुंदर है फ्रिज में रहती है क्या, ये सब चल रहा था। पर ये अगेन वही है कि हाँ आई गई बात खत्म हो गई। फादर वाला जो एपिसोड था ना वो संयोग है, मैं बता रहा हूँ वो होना था, पंडित ओम व्यास जी की कविता थी वो, जिस दिन का वो शूट है मेरे पापा आईसीयू में थे, जिस एपिसोड में पोएट्री मैंने बोली थी, तो वो लखनऊ पीजीआई में एडमिट थे, और मैं कट में जाता था और फोन पे बात कर रहा था कि हाँ मम्मी हाँ भैया क्या हाल है कैसी तबीयत, बोले नहीं ठीक है अभी टेस्ट हो रहा है उनका। उसके बाद फिर वापस आया और मैं फिर वापस मामा जी हो जाता, तब तक फादर पे एक्ट हुआ ऐसे ही, पता नहीं क्या प्लानिंग थी हुआ। और वो देख के, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी ना कि मैं पोएट्री बोलूंगा या मैं कोई बात बोलूंगा, आप वो एक देखें तो उसमें बोलता है कि मेरे को एक बात कहनी है, मैं भर गया हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो गीता दी से बहुत अच्छे संबंध, उन्होंने कहा हाँ भाई बोलिए, तो उसके बाद मैंने बोला। और वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही वो कोई एक्टिंग है और ना कोई एक्टर की तैयारी है, मतलब पता नहीं कब सुनी थी वो कविता, कैसे दिमाग में थी, या एक बार वो पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पंडित ओम जी की सबसे अद्भुत रचना है ये, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। आपको भी कुछ गुस्सा है, शब्द की जो ताकत है ना भाई ब्रह्म है जी,
बात ही तो है, बात ही तो है ना। बात से ही एक मास्टर अपने विद्यार्थी को चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है, और बात से ही एक मास्टरमाइंड अपने विद्यार्थी को आतंकवादी बनाता है। बात ही तो है, क्या बात है ना। पर इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपना टीचर डिसाइड, मतलब सीखना, लोग बोलते हैं ना कि आई वांट टू लर्न, आई एम गुड लर्नर, आई एम स्लो लर्नर बट आई एम गुड लर्नर, आई वांट टू लर्न बट आई विल डिसाइड माय टीचर। योग्य से सीखिए ना, क्योंकि मास्टर मास्टर है तो उत्थान कराएगा, सृजन कराएगा। मास्टर अगर मास्टर माइंड है तो ब्लास्ट करवाएगा। क्या बात, तो सही से सीखिए। आपके वहां मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे लोग, राजपाल भैया आते हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो टीचर्स हैं, वो वाकई टीचर्स हैं। हर एक्टिंग करने वाला आदमी एक्टिंग सिखाने वाला नहीं हो सकता, है ना जी। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत एक्टिंग सिखाने लोग हैं जो अपने स्टूडेंट से बेहतर एक्टिंग नहीं कर सकते जी। पता नहीं उनमें वो गुण होता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आप देखिए ना, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, कोचिंग सेंटर्स खोल रखे हैं, वो आईएएस नहीं हो पाए, पर उन्होंने दुनिया भर के आईएएस जन्माए। सही बात है। चाणक्य ने राज नहीं किया, चाणक्य राज नहीं किया ना, वो सिंहासन पर नहीं बैठे, उनका विद्यार्थी बैठा। पता नहीं किस बात पे बात बोल रहा था मैं, हाँ शब्दों पे बोल रहा था कि लिटरेचर की ताकत होती है। मतलब मेरे लिए एक्टरों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मेरा तो एक दोस्त बोलता रहेगा, लिखते रहोगे तो दिखते रहोगे। क्या बात। तो ये है। तो मैं जैसे आपने बताया कि 2016 से फिर आपके पास काम नहीं था, तो 2014 से 2016 बिफोर मामा जी, तो आप देवरिया से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई आए, तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे आपके लाइफ में। तो जब ये उतार ही उतार है, चढ़ाव तो पता नहीं कैसे। हाँ, तो मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। तो जब आप, एक टाइम होता है कि आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो उस वक्त आपको कैसे मोटिवेशन आती थी, या क्या चीज को सोच के आप मोटिवेट होते थे, क्योंकि आप आज एक अच्छे अभिनेता की तरह काम कर रहे हैं, कई सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आप एक इंस्पिरेशन है नई जनरेशन जो आ रही है उनके लिए, तो कैसे आप मोटिवेट होते थे जब डाउनफॉल आता था? दूसरों का सुन के, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे जो सीनियर्स हैं, हमसे पहले बहुत सारे दिग्गज आए हैं, उस वक्त और दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तब तो सिर्फ सिनेमा ही था और टीवी के भी गिनती के चैनल थे, तो कितनी बड़ी लड़ाई थी। अब तो ऑप्शन बहुत सारे हैं ना, कि दुनिया ओटीटी प्लेटफॉर्म खुल गया है, मोबाइल खुल गया है, अपना ऑडिशन खुद बना के आप भेज सकते हैं। पहले तो ये तो प्रोसेस ही नहीं था, तो वो कितनी दिक्कतों में रहे होंगे, या उनकी कहानी। जैसे हम जिस घर से आते हैं, हमारे ही जैसे घरों से तो हमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए, तो उनकी सुनते थे ना कि ये नेशनल अवार्डेड एक्टर हैं, और ये डीएन नगर और बहरामबाग में और एक छोटी सी जगह पे रहते थे, और पानी की दिक्कत होती थी, और कास्टिंग वाले भगा देते थे, और शूटिंग से कई बार मेकअप लगा के भगा दिया गया, तो ये कैसे टिके होंगे। लोग बोलते हैं ना कि कहानियां इसलिए पढ़िए क्योंकि आपके साथ जो चीज हो रही है आप पहले नहीं है। सही बात, इससे पहले भी ये चीज हो चुकी है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे बाद भी कोई बोलेगा ना, या अभी भी आप देखिए, बहुत सारे हैं जो, जैसे मेरी मासी का लड़का है जो एक्टर बनने आ गया, मेरे शहर के बहुत सारे लड़के आ गए, पहले तो मैं अकेला आया था, तो मे भी वो मेरे को देख के उनको लगता होगा कि यार ये यहाँ से देवरिया से कैसे, कौन सी ट्रेन पकड़ के कैसे गया होगा, बॉम्बे तक पहुंचा है, फिर उसने अनुराग बासु जी के डायरेक्शन में काम किया, राजकुमार राव इतने बड़े स्टार हैं, अभिषेक बच्चन जी हैं, उनके साथ काम कर गया, तो उनको शायद मुझसे प्रेरणा मिलती होगी, या मैं थोड़ा सा आग भर देता होगा। तो मुझे बहुत लोगों से मिलती थी कि हमसे पहले वो आए और कितना अच्छा झंडा बुलंद किया, और कैसे संभाल के रखा होगा। अल पचिनो ने किसी किताब में लिखा है कि एक्टर्स आर पेड फॉर वेटिंग नॉट फॉर एक्टिंग। क्या बात है। सबर करने का ही पैसा है, और सबर का ही फल मीठा होता है ना। कभी सुना है कि एक्टिंग का, कर्म का फल मीठा होता है, सुना है, सबर का फल मीठा होता है। क्या बात। तो रुक जाओ, तो मतलब आप सांस लेते रहो। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते थे तो आप इन लोगों, मैं इंटरव्यू देख लेता हूँ इन लोग जी, जो आप लोग काम कर रहे हैं, आपके वहां का कितना इंटरव्यू देके, यू नेवर नो भाई कि किस बात से क्या बात, और किस असर तक, किस हद तक उसका असर होगा। ड्रामा टॉकीज के आप उस अपने साइट पे डालेंगे कोई वीडियो, कहीं का कोई बलिया में बैठा हुआ कोई लड़का, या कहीं बैठा हुआ कोई आदमी, तो इंडिया से बाहर भी, वो यूट्यूब पे देखेगा, और कौन सी बात उसको किस लेवल पे इंस्पायर करे और वो क्या कर जाए।
इस शो का मोटिव ही हमारा यही है कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सुने, चाहे वो यूपी से हो, वो बिहार से हो, वो साउथ से हो, नॉर्थ से हो, इस शो का ही मोटिव यही है। और हमारे शो पे सारे लोग आए, आपने देखा ही होगा, पंकज त्रिपाठी जी से लेके सारे, और जो लोग सेल्फ मेड, अच्छी बात बोलते हैं पंकज जी, कितनी अच्छी बात बोलते हैं पंकज भैया, कमाल है वो। तो एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जैसे कि उधेड़बुन चल रहा होता ना कि एक्टर कैसे अप्रोच करें कैरेक्टर को, कैसे कैरेक्टर को निभाएं, कैसे ईमानदार रहें, सारा झगड़ा इसी का है ना कि जस्टिफाई किया है कैरेक्टर, क्यों बोलते हैं कि न्याय किया है तुमने इस किरदार के साथ, तो कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, हमें नहीं पता है क्योंकि मैं कहीं से पास आउट तो हूँ नहीं। तो मैं एक ऐसे यूट्यूब पे इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आशुतोष राणा जी का एक इंटरव्यू था, उसमें बहुत सारी कमाल की लाइन थी मगर एक लाइन मुझे इतनी अच्छी वो छप गई है। उन्होंने बोला था कि डोंट एक्ट लाइक योर कैरेक्टर, बिहेव लाइक योर कैरेक्टर। क्या बात है, लोग बोलते हैं किरदार करो मत, किरदार जियो। तो किरदार की एक्टिंग मत, दूध वाले की एक्टिंग मत करो, दूध वाला हो जाओ जी। तो बहुत कमाल बात, ये मुझे छप गई है और मैं ये कोशिश करता हूं, कोशिश ही करना है, यही एक तरीका है। कर लेता हूं या मुझसे हो जाता है, नहीं है, ट्राई करता हूं, अटेम्प्ट करता हूं कि ये, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, बस वो कर नहीं पाते हैं। उनको मालूम है कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आप उनकी पसंदीदा फिल्में पूछेंगे तो बताएंगे कि ये फिल्म ये परफॉर्मेंस, और उनका काम देखेंगे तो वो उसके कहीं लेवल पे नहीं होंगे। कभी भी वो प्रयास कर रहे होते हैं या अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उनको पता है कि ये है जी। तो जब भी आदमी में गुरूर आए ना, किसी अच्छे की अच्छी एक्टिंग देख लेंगे ना, तो आप ऐसे नॉर्मल रहेंगे। मेरे को जब भी लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ, ये मैं कमल हसन की कोई फिल्म देख लेता हूँ, बस औकात सामने, मनोज वाजपेयी जी का कोई काम देख लीजिए, फिर मन करता है चलो यार वापस कुछ दिन और करके आते हैं थिएटर। मैंने आर्टिकल आपका पढ़ा था, उसमें आपने बताया था कि थिएटर के ही दौरान आपने जब पढ़ना शुरू किया, उसी के साथ आपने ये लिखना भी शुरू किया। आपकी कई सारी किताबें अभी आ चुकी हैं, दो किताब जो बहुत हिट भी हुई। लिखने का शौक भाई शुरू तो वैसे होता है ना कि दिल लगा तो आदमी राइटर बना, और दिल टूटा तो थोड़ा और बेहतर राइटर बना, तो मेरा दोनों हो चुका है ना जी। दिल भी बहुत लग चुका है, दिल भी बहुत टूट चुका है। तो कोई लड़की आपकी जिंदगी में आती है तो 40 कविताएं देती है, और जब जिंदगी से जाती है तो 80। तो मेरा 120 का कारोबार पूरा हो चुका है कई बार। तो दो किताबें आ चुकी, दोनों पोएट्री की हैं, एक चैसी मोहब्बत जो इस साल आई, और मन पतंग दिल डोर जो पहली आई थी 2019 में। और इतना सपोर्ट मिला मुझे, आप ये देखो, ये है मन पतंग दिल डोर पहली किताब जी। और सपोर्ट की बात कर रहा था, ये कवर पेज अनुराग सर ने बनाया है, अनुराग बासु जी ने। क्या बात है, ये ऐसे पूरा है, ये अनुराग सर ने डिजाइन किया। मेरे को बोले, तब लूडो का शूट चल रहा था, तो मेरे को बोले क्या कर रहा है, तो मैंने बोला मैं किताब लिख रहा हूँ। तो बोले अच्छा कौन सी किताब है, मैंने कहा मन पतंग दिल डोर, तो कवर दिखा, तो मैं ऐसे एक हम लोगों ने अपने हिसाब से रफ बनाया था। तो बोले बहुत खराब है, मैं बना के देता हूँ। तो मेरे को लगा मैं दादा की पिक्चर कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को ऐसे बोलने के लिए बोल दिया होगा कि अरे मैं बना के देता हूँ। अच्छा, तो आई गई बात खत्म हो गई। दो दिन बाद उनका व्हाट्सअप आया कि ये देख ठीक लग रहा है, ठीक क्या है। तो ये कवर पे, ये खिड़की, ये मैं बैठा हुआ और ये चाय, और इसी से दूसरी किताब आई, चाय सी मोहब्बत। तो ये देखें आप, यही कप जो है ग्लास, वो यहाँ गया। ओके, तो ये भी सजेशन अनुराग सर का था? हमने, मतलब मुझे यहाँ से आइडिया आया, ये हमने डिजाइन किया, हमने और गीता दीदी ने मिलके। अच्छा, तो ये बारिश है, दो ग्लास चाय है और धुएं से दिल बन रहा है, अगर ध्यान से देख रहा हूं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग शॉट है, ये क्लोज है। हाँ, उसी से आइडिया आया। तो चाय सी मोहब्बत, और ये मार्च में रिलीज हुई थी, तो मार्च तो बारिश का मौसम होता नहीं है ना, जिस दिन ये रिलीज हुई बारिश हुई थी। अच्छा, हाँ, मैं ज्योतिष का भी काम करता हूँ, कुछ हो तो संपर्क करें। हाँ, त्रिपाठी ना, इसके अलावा मैं एक्टर हूँ, मेरे पापा तो देखते थे कुंडली। अच्छा, तो मेरे को बता दे, तेरा मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध चारों हो चुके हैं। मैंने कहा तो जाने दो ना एक्टर बनने। तो देवरिया से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे,
इतना सारा स्ट्रगल, इतना उतार चढ़ाव, कब आपको ये फील हुआ कि अब सब ठीक ठाक चल रहा है? वो तो बड़ा अजीब है, जब लगता है ना, जैसे पता नहीं क्या है, बहुत लोगों के साथ होता होगा कि जैसे फादर वाली कविता आई थी तो मैं रातों रात रात महसूस की कि लगा व्हाट्सएप पे आने प्रिंग 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 बज रहा है, कहीं पूरा भारत के हर कोने से मुझे व्हाट्सएप आने लगा, फेसबुक पे टैग होने लगा, फोन आने लगा कि यार क्या बोलते हो तुम, यार क्या कविता पढ़ी है तुमने, चैनल से फोन आ गया। मैं कुछ एपिसोड के लिए गया था, मैंने कई सीजन साइन कर लिए, 4 सीजन कर लिया, वो लोग कंटिन्यू कर दिए, मुझे पैरलर एंकर बना दिए, मेरे पिले की कहानी चलने लगी, न्यूज वाले मेरे पर स्टोरी बनाने लगे कि ऐसे बनते हैं मामा जी, ऐसे रहते हैं मामा जी, तो वो एक एकदम से बदल गया। और पर मेरा जो गेटअप था ना, उससे मेरे को लोग आसानी से नहीं पहचानते थे, तो मैं फेमस था मगर मैं नोन फेस नहीं था। हम गीता कपूर जी और ऋत्विक झंझानी, हम तीनों शूटिंग के बाद जाते थे दर्शन करने कहीं, या माउंट मेरी जाते थे हर शूट के बाद, एक हम लोगों का चल रहा था ऐसे कि खाना खाने चलते हैं, पूजा करने चलते हैं, तो लोग फोटो कराते थे उनके साथ और मेरे ही सामने बोलते थे कि अरे ऋतिक भाई आपके साथ तो जो मामा जी आते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं, उनको मेरा हेलो बोलना, और मैं ही फोटो खींच रहा होता था। अच्छा। तो ये चला, फिर बाद में लोगों ने इतना देख लिया ना उसको कि सिर्फ मास्क में भी पहचानने वाले पहचान जाएंगे। तो आप बता रहे थे कि जब कब लगता है कि सब, कब लगता है कि सब ठीक हो गया, अजीब है और ये प्रैक्टिकल है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे को किसी दिन खूब सारे लोग पहचान रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक हाँ, अगले दिन जहां पहचानना चाहिए वही नहीं पहचान रहा होता है कोई। अजीब संयोग है, मतलब होता है कभी कभी। तो इसलिए और वो अच्छी चीज है, इससे लगता है कि और मेहनत करो, मतलब सुपर डांसर के बाद और भी इंडियन आइडल कर लिया, कपिल जी का शो कर लिया, कॉमेडी सर्कस कर लिया, बहुत सारे रियलिटी शोज कर लिए, बहुत सारे बिग बॉस कर लिया, एंकर भी कर लिया बहुत सारे अवार्ड शो में, तो फिर बाई फेस भी लोग पहचानने लगे, मतलब टीवी इंडस्ट्री जानती थी, लोग भी बाई फेस पहचानने लगे, मगर फिर भी हर आदमी को हर आदमी पहचाने ये जरूर नहीं, चाहे आपने कितना भी काम किया हो, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये चीज आप में आग भरती है कि और करते हैं, इसलिए नहीं कि लोग पहचाने, ये मतलब ये मंशा ये नहीं होती है कि लोग पहचाने, आप अच्छा करेंगे आपका नाम होगा तो लोग पहचानेंगे, डेफिनेटली ये फैक्ट है, मतलब ये बाई प्रोडक्ट है कि यार मैं महंगा एक्टर हो जाऊंगा, तुम अच्छा काम करो ना महंगे हो जाओगे। सही बात। एक ब्रजेश भैया हैं, सिंगर हैं हमारे जानने वाले हैं जी, वो एक लाइन बोलते हैं कि अपने आप को इतना महंगा कर लो कि हर चीज सस्ती हो जाए। क्या बात है, क्योंकि चीज सस्ती नहीं होगी ना, अपने आप को ही आपका ही दायरा बढ़ाना पड़ेगा जी। और इसमें मैं अपने पापा की लाइन फॉलो करता हूँ, मेरे फादर जो थे वो एक लाइन बोले थे कि सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है। तुम बहुत फेमस हो गए हो और तुम्हारा और तुम में वो क्वालिटीज ही नहीं है तो तुम बहुत खतरनाक स्थिति में हो, क्योंकि फेम के हिसाब से लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपको याद करेंगे, और उस वक्त जब आपको वही होता है ना कि चलो 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 भीड़ इकट्ठा कर लिया आपने, डम 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 बजा लिया, अब क्या, अब दिखाओ मदारी, तो आपको तो आता ही नहीं है, सांप तो प्लास्टिक का है, पता चल जाएगा क्या तुमने ऐसे किया कि मैं कबूतर निकालता हूं, कबूतर निकला ही नहीं। तो सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है, ये बहुत अच्छी पोएट्री करता है, बहुत अच्छी पोएट्री करता है, चलो इसको बुला ले, बोले दो लाइन सुनाओ, अब आपने कुछ चूरन छाप सुना दिया तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए अपने क्राफ्ट पे ही काम करो, अपने उस पे काम करो, फेम हो ही जाएगा, बढ़ ही जाता है। मैं फेमस पहले से, मैं अपने स्कूल में फेमस था, मेरे स्कूल में मैं अपने क्लासरूम में सबसे फेमस था, फिर मैं अपने कॉलेज में गया तो वहाँ फेमस था। तो आदमी फेमस ऐसे, मैं ऐसा कोई फेमस नहीं हुआ, फेम का दायरा बढ़ा है ये थोड़े से और ज्यादा लोग जानने लगे। इतनी सारी बातचीत में हमने ये जाना कि आप राइटिंग भी करते हैं हाँ। और इतने अच्छे अभिनेता भी हैं हाँ। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? एक्टिंग में तो सब कुछ आ जाता है, मतलब मैं थिएटर का एक्टर हूँ जी, ड्रामा का एक्टर हर तरह से अपने आप को तैयार करके रखता है कि उसको बोलेंगे तो एंकर भी कर देगा, उसको बोलेंगे तो पोएट का भी रोल कर देगा, उसको बोलेंगे तो वो विलन भी कर लेगा, कॉमेडी भी कर लेगा। तो मेरी परवरिश वैसे हुई है। और लिखने के लिए तो मजबूरी होती है ना कि मतलब मुझे एंकर बना दिया गया उसमें कि अब ऑन द स्पॉट आपको लाइनें कोई तुरंत लिख के तो देगा नहीं जी, तो उधर खुद ही बोलना है,
या आपको जो लाइन लिख के दी गई उसमें ये नहीं लिखा गया कि तुम अजय देवगन जी पे ये बोलोगे तो अजय देवगन जी बदले में क्या बोलेंगे, तो जब वो बोलेंगे तो उसपे क्या बोलना है ये कोई लिख के नहीं देता है। तो सब कुछ एक्टर में आ जाता है। जैसे मैं आप इंस्टाग्राम का मेरा आपको वो दिखाता हूँ स्टेटस मेरा एक्टर एंड राइटर। हाँ नहीं 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 परितोष त्रिपाठी एक्टिंग एंकरिंग स्टैंड अप कॉमेडी पोएट्री और राइटिंग हमारे यहाँ सभी काम उचित मूल्यों पर किए जाते हैं। एक मेरा दोस्त है बहुत मौज लेता है कि तू एक्टिंग भी करता है राइटिंग भी करता है पोएट्री भी कर लेता है एंकर भी है तू फ्रिज भी बना लेता होगा चेक करना अपने आप को। क्या बात है। आप सबसे ज्यादा यकीन किस पे करते हैं मतलब किस सेंस में मतलब एक होता है ना कि आपका एक बिलीफ होता है फेथ होता है आप यकीन सबसे ज्यादा किस पे करते हैं कर्म पे। आपको मोटिवेशन इतनी एनर्जी कहां से आती है अपने फादर से कभी वो विचारों के रूप में है मतलब पिताजी 2017 में एक्सपायर हो गए पर वो हमारा हीरो हमारे घर में होता है हम बाहर बेवजह ढूंढते हैं हमारे घर में हीरो होता है माँ बाप का स्ट्रगल से बड़ा थोड़ी होगा आपका। सही बात। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है अलग अलग फिल्म मतलब एक कोई फिल्म हाँ। जो मुझे हमेशा पसंद है आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म मुझे अप्पू राजा बहुत पसंद है कमल हसन की फिल्म है दो भाई होते हैं। आपके पसंदीदा एक्टर कमल हसन अजय देवगन आपके पसंदीदा पंकज त्रिपाठी शाहरुख खान मैं फिर नाना पाटेकर अक्षय खन्ना। आपके पसंदीदा डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। आपके पसंदीदा राइटर सिनेमा से या साहित्य से जो आपको ज्यादा पसंद गुलजार साहब। क्या बात है। नए लोग जो एक्टिंग में आ रहे हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने करियर को आगे लेके जाएं। मीडियोकर मत बनो कि थोड़ा थोड़ा रोमांटिक कर लेता है थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी कर लेता है थोड़ा थोड़ा एक्शन भी कर लेता है। नहीं पारंगत होइए बहुत कमाल करना होगा क्योंकि जो लोग आए हैं जो लोग कर रहे हैं वो बहुत कमाल वो बहुत कमाल कर रहे हैं और मीडियोकर मत बनिए और काम करने से होगा मतलब अगर आप में है और आप उसको थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं ना तो वो शाइन करेगा। पर खुल के खेलो यार सिंगल मत भागो आर पार खेलो जी नहीं तो कुछ और करो ये पागलपन चाहिए। हमने आपकी इतनी सारी फिल्में देखी हैं कई सारी फिल्में देखी हैं और कई सारी में आपने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं अभी कुछ नहीं बताना चाहिए पर बहुत मजा मतलब पूरा पैकेज है जो हम बहुत मजा आएगा। गाने अच्छे हैं कहानी अच्छी है कुछ तो है कहानीकार अच्छे हैं स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है बहुत मजा आ रहा है मैं बहुत ढंग के किरदार में देखूंगा आपको जी मजा आएगा। सर आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजीव थैंक यू सो मच।